मैं छोटा था तब जेड पैलेस में कोई था जो मेरा हमेशा ख्याल रखता था। उनका नाम था जिनशी और वो मेरे दोस्त थे। हम हमेशा साथ रहते थे। एक वही थे जो मुझे हंसा सकते थे। क्या आप हंसते थे? एक दिन जिनशी शहनशाह के लिए काम करने चले गए। मैं सालों से उनसे मिला नहीं हूँ, पर हम कांटेक्ट में हैं। कुछ वक्त पहले टेमुटाई और उसके चिडान योद्धा देश पर हमला करने की सोच रहे थे। यार मुझे ऐसा करने वालों से सख्त नफरत है। जिनशी को उनके इरादों की भनक लग गई और वो नाकामयाब हुए। टेमुटाई ने बदला लेने की कसम खाई है। तो हम आपके दोस्त की रक्षा करने वाले हैं। कोई भी उनके पास आया तो मैं कर दूंगा। हाँ, पर पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। जिनशी कहीं छिप गए हैं। वो मुझे अपने ठिकाने का पता है कि मैसेज में भेजने वाले हैं, पर जेंग लेट है फिर से हमेशा की तरह। चलिए भी, जेंग पूरी कोशिश करता है जो काफी नहीं होती। उससे ज्यादा भरोसेमंद तो वो कुर्सी है। क्या ये कुर्सी? चलो जेंग को ढूंढते हैं, ना जाने अब उसने खुद को किस मुसीबत में फंसाया होगा। सादे नूडल्स खाओगे वो फिर दिल से, समझे? जेंग, मास्टर शिफू, मैं बस आ रहा हूँ। जरूरी मैसेज लाने के लिए तुम रास्ते में रुके खाना खाने के लिए? पर मैं तो बस। कोई नहीं होगा तुम जैसा बेकार, निकम्मा, नकारा, बकवास, खुदगर्ज, दिमाग से पैदल, कमबख्त, पागल, बेवकूफ। ये मेरा लंच ब्रेक है, मैं आपके लिए बस काम काम और काम करता हूँ। मैसेज लाता हूँ, वॉश साफ करता हूँ, आपका पैरों को मसाज देता हूँ। मैं आपके बेकार से मैसेज के साथ 200 मील का सफर तय करके आया हूँ और मुझे बस मेरे मसाला नूडल्स खा रहे। क्या आप मुझे इतना भी नहीं खाने देंगे? नहीं, मुझे वो मैसेज चाहिए अभी। रिलैक्स, अरे वो मेरे पास ही है, देखा? इसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिरकार मुझे मिल गया उस फते जिनशी का ठिकाना। अब मेरा बदला पूरा होगा। मेरे होते हुए नहीं। बात को आधे में काटना गलत होता है, लेकिन तुमने ये अच्छा ही किया। बस करो, अब यह कुंग फू लड़ाई माना है। हमें वो मैसेज दे दो। हिम्मत है तो ले लो। चलो आ जाओ, मेरे हाथ मचल रहे हैं। सुन रहो, अब तुम ही चुनो, वो मैसेज या वो मैसेंजर। जेंग, वहां से हट जाओ। मैं यहां तक था। जिनशी ने जो किया उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। वो अभी बहुत बड़ी कीमत। आप ठीक तो है शिफू? तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे निकम्मेपन का नतीजा है? अब पो को जिनशी को ढूंढकर मेरे बिना उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मुझे बहुत भूख लगी थी। इतना काफी नहीं है? अपना सामान बांध लो जेंग, अब जेड पैलेस को तुम्हारी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है। ओ शिफू, आपको नहीं लगता कि आप मुझे निकाल रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा, तो मैं आपको निकालता हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे मंजूर है। हे जेंग, मुझे अफसोस है। चलो अभी बात इतनी भी बुरी नहीं है। कुछ भी मत बोलो, इससे बुरा और क्या हो सकता है? वो बड़ा पानी का टावर तुम पर भी तो गिर सकता था। देखो, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। हमेशा से ही एक मैसेंजर के नाते किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, आसमान छू सकते हो। सच्ची? बिल्कुल, तुम जैसा एक स्मार्ट होनहार काबिल डक। मैं गूस हूँ। तुम बन सकते हो एक कवि या एक कारपेंटर या एक कुंग फू मास्टर या तुम्हें सच में लगता है मैं कुंग फू मास्टर बन सकता हूँ? कहने के लिए हाँ, मतलब बिल्कुल बन सकते।
सकते हो, जरा खुद को देखो, ये शानदार फिजिक, ये उठने बैठने का ढंग, तुम तो कमाल हो। वैसे अगर एक मोटा बदसूरत पांडा एक कुंग फू मास्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, मतलब तुम जरा खुद को देखो कितने अजीब दिखते हो। मैं ये करके दिखाऊंगा, तब शिफू को पता चलेगा। अच्छा प्लान है, मुझे बता ना तुम कर पाया नहीं। चलो अभी मुझे जाकर उस जिंशी को ढूंढना है। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर मुझे कुंग फू मास्टर बनना है तो शुरुआत अभी से करनी होगी, और चूंकि ये जिंशी वाले मसले में मेरा थोड़ा हाथ था, पूरा हाथ था, मुझे इसमें मदद करनी चाहिए, तो चलो चले साथी कुंग फू मास्टर को। वाहू, वाहू, या, जू, जू। जब मैं शानदार पांच का हिस्सा बनूंगा तो मैं भी उनकी तरह जेट पैलेस स्टाफ पर रॉब जमाऊंगा। तुम्हें पता है मैंटिस मुझसे अपने कपड़े धुलवाता है, मैं चाय के कपड़े उन्हें धोता हूँ। हमें तो शानदार पांच का नाम भी बदलना पड़ेगा, कैसा रहेगा जानदार छह, कितना मजा आएगा ना। हाँ बहुत। तो साथी कुंग फू मास्टर, हम जिंशी का पता कैसे लगाएंगे? देखो टेमुटाय और उसके योद्धा उस तरफ गए हैं, हमें कुछ गवाह ढूंढने होंगे, कुछ सवाल पूछने होंगे। शायद उन लोगों ने उन्हें देखा। जब मैं उनसे पूछताछ कर लूंगा तो वो चुपचाप सारा सच उगल देंगे। अब देखो कैसे बिगाड़ता है जेंग उनका हाथ। ओह नो, जेंग, जेंग, नहीं! कुंग फू मास्टर जेंग आ गया है। यहाँ पर कौन है जो पिटना चाहता है? पिटेगा तो कुंग फू मास्टर जेंग ही। मेरे पंख बहुत खतरनाक है, लग गए तो उठ नहीं पाओगे। ओ, इतनी होशियारी है? एक बात कहूँ, मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा, तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या इसे ढूंढ रहे हो? हे, वो मेरी मॉम का तोहफा है। ओ सॉरी। बहुत हुआ, हमें बताओ क्या तुमने यहाँ चिड़ान योद्धाओं को देखा था? हाँ, वो पूरब की ओर गए हैं रेगिस्तान में, पहले क्यों नहीं पूछ लिया? मुझे नहीं पता, तुम बताना चाहोगे? चलो भी अब बस करो। मेरी वजह से सब बर्बाद हो जाता, मुझे लगा था मैं कुंग फू मास्टर बन सकता हूँ। वो एक मजा था। नहीं 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 नहीं, तुम अच्छा लड़े। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सब बिगाड़ दिया। देखो मुझे पता है तुम्हें लगता है वो तुम पर हावी हुए और तुम्हें मारा और तुम उनसे लड़ नहीं पाए और ये सब ऐसा लगा क्योंकि वो तुम्हारी पहली लड़ाई थी, पर तुम सच में बहुत अच्छा लड़े। याद है मैं उस गुंडे को मार पाया था क्योंकि तुमने उसे खुद को घुमाने दिया था। सच में? बिल्कुल, तुमने तो कमाल कर दिया, क्लासिक कुंग फू मास्टर स्टाइल। सच में? बिल्कुल, तुम कर रहे थे बैम वाओ और वो सब तुमसे डर रहे थे। हाँ, ये तो सच है, तुमने उनकी हवा निकाल दी। तुम बस मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है बेस्ट? मैं हूँ। कौन है बेस्ट? मैं हूँ। थैंक्स फो, अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो चलो जिंशी को ढूंढकर उनकी रक्षा करते हैं। तो टेमुटाय के सिपाही है, अगर हम दूर से उनका पीछा करेंगे तो हम। ओह नो, मैं हूँ सबसे जेंग। मैं बस कह रहा हूँ इस तरह पीछे रहने से कोई हमारी कद्र नहीं करता। टेमुटाय कहते हैं पीछे के सिपाही भी खास होते हैं। मुझे तो लगता है वो बस हमें तसल्ली देने के लिए ऐसा कहते हैं। हे, मुझे हमेशा से एक डक को पीटना था। मैं कोस हूँ। बता दो जिंशी कहाँ है और किसी को चोट नहीं लगेगी। वो तो लग गई। जिंशी कहाँ है? हाँ, यिंगशुओ शहर में कुछ मील दूर उस तरफ। वाह, हमने
जरा मुझे देखो, लगता है मेरी कुंफू मास्टर की कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। नहीं, तुम एक कुंफू मास्टर नहीं हो, तुम तो कोई भी मास्टर नहीं हो। पर तुमने कहा था। मैंने वो सब कहा था बस तुम्हें खुश करने के लिए। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, ओके, पर तुम्हें वो सब सीरियसली नहीं लेना था और तुम्हें मुझे एक बड़ी चट्टान के नीचे नहीं फंसाना था, समझे? तो तुमने झूठ कहा था। मैं बस तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता था। तुम कुंफू अच्छी तरह नहीं कर सकते, सच्ची जरा भी नहीं। आओ, चलो, अच्छा हुआ जो बता दिया। कुछ वक्त के लिए मैं सोच बैठा था कि मैं पूरी तरह निकम्मा नहीं हूँ। गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। नहीं, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने जो भी कहा, रुको, जैंग, 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 मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुमने उसे कहा कि वो एक अच्छा कुंफू मास्टर बन सकता है? वो रो रहा था। अब भी रो रहा है तो बहुत अच्छे। मैं बस मदद करना चाहता था। ये मदद करना कैसे हुआ? उसे सच्चाई का सामना करना चाहिए। उससे झूठ बोलने से मामला और बिगड़ गया। तुम कौन हो, मेरे डैड? तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तुम्हें उसके रोने से परेशानी हो रही थी तो उसे चुप कराने के लिए तुमने झूठ बोला। तुम खुद को बहुत अच्छा समझते हो, पर तुम सिर्फ एक मतलबी झूठे पैदा हो। मैं एक अच्छा बंदा हूँ। हाँ दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे हो। जैंग खुद को कुछ कर बैठे, इससे पहले उसे ढूंढना होगा। तो क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें? क्या फायदा है, मैं क्यों कुछ करूं? मैं निकम्मा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ मदद करूं? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे ये तो एक जेल पैलेस यूनिफॉर्म है, क्या शिफू ने तुम्हें भेजा है? क्या? रुको, क्या ये यांगशु है? क्या बिंची है? हाँ और हाँ। मैंने आपको ढूंढ लिया। मैंने कुछ सही किया। हमें यहाँ पे निकलना होगा अभी। क्यों? बात क्या है? घूमो रहे, पकड़ो उन्हें। तो ये बात है। यहाँ खुले में तो वो हमें पकड़ लेंगे और मारेंगे। हाँ? जाने दीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उड़ा कर ले जाता हूँ। तुम तो बस मुझे ज्यादा वजन होने का एहसास करा रहे हो। सॉरी, शायद हमें भागना चाहिए। तुम खुद को दोष मत दो। मैं शिफू तक आपका मैसेज ले जा रहा था, मैंने लंच ब्रेक लिया और ट्रेमोटाई ने मुझसे वो चुरा लिया। देखो, उन्हें वहाँ से एक एक करके अंदर आना पड़ेगा, फिर तुम उनसे आसानी से लड़ पाओगे। मैं? आप उनसे क्यों नहीं लड़ सकते? आप तो जेट पैलेस से हो। और तुम भी? हाँ, पर मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मुझे तो लगा था तुम्हें कुंफू मास्टर है। एक मिनट, अगर आप सिर्फ एक मैसेंजर हैं, तो फिर आपने एक जंग कैसे रोकी थी? मैंने वो मैसेज पहुँचाया था जिससे टेमुटाई का प्लान चौपट हो गया था। मैं लड़ नहीं सकता, पर मैं काफी अच्छे थप्पड़ मार लेता हूँ। तो फिर चलो हम उन्हें मिलकर थप्पड़ लगाएं दोस्त। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ऊपर देखो, एक गया और काफी बाकी है। मैंने तुम्हें निराश किया। मैंने तुम्हें निराश किया, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने झूठ कहकर तुम्हें बहलाया, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तो हम कैसे मदद करें? पता नहीं, बस इन सबको एक तरफ रखते जाओ, ये यहाँ जमा होने लगे हैं।
कितने बाकी है? बस एक और बचा है। सिंशी, अब तुम नहीं बच सकते मिठाई के गुस्से के घर से। पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। ठीक है। महतुआ, मुझे कुछ करना होगा। अर्जेंग, फिक्र मत करो मास्टर को, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा वो डक दोस्त तो डरपोक निकला। हे मुठाई, ड्रैगन वॉरियर को यहाँ से जाने दो। तुम्हें बदला तो मुझसे लेना है। दरअसल मुझे तुम दोनों से नफरत है। मैं बस अभी इसे खत्म कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। मैंने तुम्हें हरा दिया है अपने कमाल के मैसेंजर पंखों से। बहुत अच्छे जेंग, पर तुमने यहाँ इतनी जल्दी कैसे ले आए? एक अच्छा मैसेंजर कभी अपने राज नहीं बताता। तो मुझे लगा जेंग एक कुंफू मास्टर है, और उसे मेरे बारे में भी वही लगा। ओहो, नाक से चाय निकली, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। एक मिनट, मैंने तो चाय पी भी नहीं। अर्शिफू, जाता हूँ, मैंने आपको निराश किया और उसके लिए माफी चाहता हूँ। पर मैं यहाँ जरूरी काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कद्र करें। तुम सही हो जैंग, मैंने कभी तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जिसके तुम हकदार हो। मैं माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पुरानी नौकरी वापस ले लो, अगर तुम चाहो तो। शुक्रिया, मुझे मंजूर है, और मैं भी आपको आपकी पुरानी जगह वापस देता हूँ मेरी जिंदगी में। मुझे भी मंजूर है। बहुत अच्छे, अब जरा तुम जल्दी से ये चाय या जो भी है साफ कर दो। सॉरी, अभी लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक? वो मजाक कर रहा था, है ना? नहीं, नहीं। सही किया। बस करो, अब यह कुंग फू लड़ाई माना है। हमें वो मैसेज दे दो। हिम्मत है तो ले लो। चलो आ जाओ, मेरे हाथ मचल रहे हैं। अब तुम ही चुनो, वो मैसेज या वो मैसेंजर। जेंग, वहां से हट जाओ। मैं यहां तक था। शिफू, जिनशी ने जो किया उसे उसकी कीमत चुकानी होगी, वो अभी बहुत बड़ी कीमत। आप ठीक तो है शिफू? तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे निकम्मेपन का नतीजा है? अब वो को जिनशी को ढूंढकर मेरे बिना उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मुझे बहुत भूख लगी थी। इतना काफी नहीं है? अपना सामान बांध लो सिंह, अब जेट पैलेस को तुम्हारी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है। ओह शिफू, आपको नहीं लगता कि आप मुझे निकाल रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा, तो मैं आपको निकालता हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे मंजूर है। हे जेंग, मुझे अफसोस है। चलो अभी बात इतनी भी बुरी नहीं है। कुछ भी मत बोलो, इससे बुरा और क्या हो सकता है?
बड़ा पानी का टावर तुम पर भी तो गिर सकता था। देखो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। हमेशा से ही एक मैसेंजर के नाते किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, आसमान छू सकते हो। सच्ची? बिल्कुल, तुम जैसा एक स्मार्ट होनहार काबिल डक मैं गूस हूँ। तुम बन सकते हो एक कवि या एक कारपेंटर या एक कुंफू मास्टर या तुम्हें सच में लगता है मैं कुंफू मास्टर बन सकता हूँ? कहने के लिए हाँ, मतलब बिल्कुल बन सकते हो। जरा खुद को देखो, ये शानदार फिजिक, ये उठने बैठने का ढंग, तुम तो कमाल हो। वैसे अगर एक मोटा बदसूरत पांडा एक कुंग फू मास्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? मतलब तुम जरा खुद को देखो, कितने अजीब दिखते हो। मैं ये करके दिखाऊंगा, तब शिफू को पता चलेगा। अच्छा प्लान है, मुझे बताना तुम कर पाए या नहीं। चलो अभी मुझे जाकर उस जिंशी को ढूंढना है। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर मुझे कुंग फू मास्टर बनना है तो शुरुआत अभी से करनी होगी, और चूंकि ये जिंशी वाले मसले में मेरा थोड़ा हाथ था, पूरा हाथ था, मुझे इसमें मदद करनी चाहिए। तो चलो चले साथ ही कुंग फू मास्टर दोस्त। जब मैं शानदार पांच का हिस्सा बनूंगा तो मैं भी उनकी तरह जेट वाले स्टाफ पर रॉब जमाऊंगा। तुम्हें पता है मैंटिस मुझसे अपने कपड़े धुलवाता है, मैं चाय के कपड़े उन्हें धोता हूँ। हमें तो शानदार पांच का नाम भी बदलना पड़ेगा। कैसा रहेगा जानदार छह? कितना मजा आएगा ना? हाँ बहुत। तो साथी कुंग फू मास्टर, हम विंची का पता कैसे लगाएंगे? देखो टेमुटाय और उसके योद्धा उस तरफ गए हैं, हमें कुछ गवाह ढूंढने होंगे, कुछ सवाल पूछने होंगे। शायद उन लोगों ने उन्हें देखा हो। जब मैं उनसे पूछताछ कर लूंगा तो वो चुपचाप सारा सच उगल देंगे। अब देखो कैसे बिगाड़ता है जेंग उनका हाथ। ओह नो जेंग, जेंग नहीं, कुंग फू मास्टर जेंग आ गया है। यहाँ पर कौन है जो पिटना चाहता है? पिटेगा तो कुंग फू मास्टर जेंग ही। मेरे पंख बहुत खतरनाक है, लग गए तो उठ नहीं पाओगे। इतनी होशियारी है? एक बात कहूँ, मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा, तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या इसे ढूंढ रहे हो? हे, वो मेरी मॉम का तोहफा है। ओ सॉरी। बहुत हुआ, हमें बताओ क्या तुमने यहाँ चिड़ान योद्धाओं को देखा था? हाँ, वो पूर्व की ओर गए हैं रेगिस्तान में। पहले ही क्यों नहीं पूछ लिया? मुझे नहीं पता, तुम बताना चाहोगे? ए, चलो भी अब बस करो। मेरी वजह से सब बर्बाद हो जाता, मुझे लगा था मैं कुंग फू मास्टर बन सकता हूँ। वो एक मजा था। नहीं 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 नहीं, तुम अच्छा लड़े। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सब बिगाड़ दिया। देखो मुझे पता है तुम्हें लगता है वो तुम पर हावी हुए और तुम्हें मारा और तुम उनसे लड़ नहीं पाए, और ये सब ऐसा लगा क्योंकि वो तुम्हारी पहली लड़ाई थी। पर तुम सच में बहुत अच्छा लड़े। याद है मैं उस गुंडे को मार पाया था क्योंकि तुमने उसे खुद को घुमाने दिया था। सच में? बिल्कुल, तुमने तो कमाल कर दिया, क्लासिक कुंग फू मास्टर स्टाइल। सच में? बिल्कुल, तुम कर रहे थे बैम वाओ, और वो सब तुमसे डर रहे थे। हाँ, ये तो सच है, तुमने उनकी हवा निकाल दी। तुम बस मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है बेस्ट? मैं हूँ। कौन है बेस्ट? मैं हूँ। थैंक्स फॉर, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलो जिंशी को ढूंढकर उनकी रक्षा करते हैं। तो टेमुटाय के सिपाही है, अगर हम दूर से उनका पीछा करेंगे तो हम ओह नो। मैं बस कह रहा हूँ, इस तरह पीछे रहने से कोई हमारी कद्र नहीं करता। टेमुटाय कहते हैं पीछे के सिपाही भी खास होते हैं। मुझे तो लगता है वो बस हमें तसल्ली देने के लिए ऐसा कहते हैं। मुझे हमेशा से एक डक को पीटना था। मैं गूस हूँ।
बता दो जिंशी कहाँ है और किसी को चोट नहीं लगेगी। वो तो लग गई। जिंशी कहाँ है? यंगशुओ शहर में कुछ मील दूर उस तरफ। वाह, हमने कर दिया दोस्त। वूहू, हम हैं मास्टर। वू या या वू वा वाह, ये तो कमाल हो गया। जरा मुझे देखो, लगता है मेरी कुंग फू मास्टर की कुछ ज्यादा ही ताकत हो रहे हैं। नहीं, तुम एक कुंग फू मास्टर नहीं हो, तुम तो कोई भी मास्टर नहीं हो। पर तुमने कहा था। मैंने वो सब कहा था बस तुम्हें खुश करने के लिए। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, ओके? पर तुम्हें वो सब सीरियसली नहीं लेना था और तुम्हें मुझे एक बड़ी चट्टान के नीचे नहीं फंसाना था, समझे? तो तुमने झूठ कहा था। मैं बस तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता था। तुम कुंग फू अच्छी तरह नहीं कर सकते, सच्ची, जरा भी नहीं। आओ, चलो, अच्छा हुआ जो बता दिया। कुछ वक्त के लिए मैं सोच बैठा था कि मैं पूरी तरह निकम्मा नहीं हूँ। गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। नहीं, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने जो भी कहा, रुको, जैंग, 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 मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुमने उसे कहा कि वो एक अच्छा कुंग फू मास्टर बन सकता है? वो रो रहा था। अब भी रो रहा है तो बहुत अच्छे। मैं बस मदद करना चाहता था। ये मदद करना कैसे हुआ? उसे सच्चाई का सामना करना चाहिए। उससे झूठ बोलने से मामला और बिगड़ गया। तुम कौन हो, मेरे डैड? तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तुम्हें उसके रोने से परेशानी हो रही थी तो उसे चुप कराने के लिए तुमने झूठ बोला। तुम खुद को बहुत अच्छा समझते हो पर तुम सिर्फ एक मतलबी झूठे पैदा हो। मैं एक अच्छा बंदा हूँ। हाँ दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे हो। जैंग खुद को कुछ कर बैठे, इससे पहले उसे ढूंढना होगा। तो क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें? क्या फायदा है, मैं क्यों कुछ करूं? मैं निकम्मा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ मदद करूं? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे, ये तो एक जेड पैलेस यूनिफॉर्म है। क्या शिफु ने तुम्हें भेजा है? क्या? रुको, क्या ये यांगशु है? क्या बिंशी है? हाँ और हाँ। मैंने आपको ढूंढ लिया। मैंने कुछ सही किया। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। क्यों? बात क्या है? घूम रहा है, पकड़ो उन्हें। तो ये बात है। यहाँ खुले में तो वो हमें पकड़ लेंगे और मारेंगे। हाँ? जाने दीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उड़ा कर ले चलता हूँ। तुम तो बस मुझे ज्यादा वजन होने का एहसास करा रहे हो। सॉरी, शायद हमें भागना चाहिए। तुम खुद को दोष मत दो। मैं शिफु तक आपका मैसेज ले जा रहा था। मैंने लंच ब्रेक लिया और ट्रेमो चाय ने मुझसे वो चुरा लिया। देखो, उन्हें वहाँ से एक एक करके अंदर आना पड़ेगा, फिर तुम उनसे आसानी से लड़ पाओगे। मैं? आप उनसे क्यों नहीं लड़ सकते? आप तो जेड पैलेस से हो। और तुम भी? हाँ, पर मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मुझे तो लगा था तुम एक कुंग फू मास्टर हैं। एक मिनट, अगर आप सिर्फ एक मैसेंजर हैं तो फिर आपने जंग कैसे रोकी थी? मैंने वो मैसेज पहुँचाया था जिससे टेमुटाई का प्लान चौपट हो गया था। मैं लड़ नहीं सकता पर मैं काफी अच्छे थप्पड़ मार लेता हूँ। तो फिर चलो हम उन्हें मिलकर थप्पड़ लगाएं दोस्त। Yeah!
अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ऊपर देखो, एक गया और काफी बाकी हैं। मैंने तुम्हें निराश किया पो। मैंने तुम्हें निराश किया, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने झूठ कहकर तुम्हें बहलाया, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तो हम कैसे मदद करें? पता नहीं, बस इन सबको एक तरफ रखते जाओ, ये यहाँ जमा होने लगे हैं। और कितने बाकी है? बस एक और बचा है। जिंशी, अब तुम नहीं बच सकते मुटाई के गुस्से के घर से। पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। ठीक है। बहुत हुआ, मुझे कुछ करना होगा। अर्जेंग, फिक्र मत करो मास्टर को, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा वो डक दोस्त तो डरपोक निकला। टेम उठाई, ड्रैगन वॉरियर को यहाँ से जाने दो। तुम्हें बदला तो मुझसे लेना है। दरअसल मुझे तुम दोनों से नफरत है, मैं बस अभी इसे खत्म कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। टेम उठाई, मैंने तुम्हें हरा दिया है अपने कमाल के मैसेंजर पंखों से। बहुत अच्छे जेंग, पर तुमने यहाँ इतनी जल्दी कैसे ले आए? एक अच्छा मैसेंजर कभी अपने राज नहीं बताता। तो मुझे लगा जेंग एक कुंफू मास्टर है और उसे मेरे बारे में भी वही लगा। ओहो, नाक से चाय निकली, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। एक मिनट, मैंने तो चाय पी भी नहीं। अश्विफू, जाता हूँ, मैंने आपको निराश किया और उसके लिए माफी चाहता हूँ। पर मैं यहाँ जरूरी काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कद्र करें। तुम सही हो जैन, मैंने कभी तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जिसके तुम हकदार हो। मैं माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पुरानी नौकरी वापस ले लो अगर तुम चाहो तो। शुक्रिया, मुझे मंजूर है और मैं भी आपको आपकी पुरानी जगह वापस देता हूँ मेरी जिंदगी में। मुझे भी मंजूर है। बहुत अच्छे, अब जरा तुम जल्दी से ये चाय या जो भी है साफ कर दो। सॉरी, अभी लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक? वो मजाक कर रहा था है ना? नहीं। तब जेड पैलेस में कोई था जो मेरा हमेशा ख्याल रखता था, उनका नाम था जिंशी और वो मेरे दोस्त थे। हम हमेशा साथ रहते थे, एक वही थे जो मुझे हंसा सकते थे। क्या आप हंसते थे? एक दिन जिंशी शहंशाह के लिए काम करने चले गए। मैं सालों से उनसे मिला नहीं हूँ पर हम कांटेक्ट में हैं। कुछ वक्त पहले टेमुटाय और उसके चिडान योद्धा देश पर हमला करने की सोच रहे थे। यार, मुझे ऐसा करने वालों से सख्त नफरत है। जिंशी को उनके इरादों की भनक लग गई और वो नाकामयाब हुए। टेमुटाय ने बदला लेने की कसम खाई है। तो हम आपके दोस्त की रक्षा करने वाले हैं। कोई भी उनके पास आया तो मैं कर दूंगा। हाँ, पर पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। जिंशी कहीं छिप गए हैं, वो मुझे अपने ठिकाने का पता है कि मैसेज में भेजने वाले हैं। पर जेंग लेट है फिर से हमेशा की तरह। चलिए भी, जेंग पूरी कोशिश करता है जो काफी नहीं होती, उससे ज्यादा भरोसेमंद तो वो कुर्सी है। क्या ये कुर्सी? चलो जेंग को ढूंढते हैं, ना जाने अब उसने खुद को किस मुसीबत में फंसाया होगा। आपने नूडल्स बनाने बंद कर दिए, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मास्टर शिफू, मैं आज ही बात आ रहा
इतना जरूरी मैसेज लाने के लिए तुम रास्ते में रुके खाना खाने के लिए? पर मैं तो बस कोई नहीं होगा तुम जैसा बेकार निकम्मा नकारा बकवास खुदगर्ज दिमाग से पैदल कम अकल पागल बेवकूफ। ये मेरा लंच ब्रेक है, मैं आपके लिए बस काम काम और काम करता हूँ, मैसेज लाता हूँ, पोस्ट ऑफ करता हूँ और दोपहर को मसाज देता हूँ। मैं आपके बेकार से मैसेज के साथ 200 मील का सफर तय करके आया हूँ और मुझे बस मेरे मसाले नूडल्स खा रहे हैं। क्या आप मुझे इतना भी नहीं करने देंगे? नहीं, मुझे वो मैसेज चाहिए अभी। रिलैक्स, अरे वो मेरे पास ही है, देखा, इसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिरकार मुझे मिल गया उस फद्दे ज़िनशी का ठिकाना, अब मेरा बदला पूरा होगा मेरे होते हुए। बात को आधे में काटना गलत होता है, लेकिन तुमने ये अच्छा ही किया। बस करो, अब यह कुंग फू लड़ाई माना है। हमें वो मैसेज दे दो, हिम्मत है तो ले लो। चलो आ जाओ, मेरे हाथ मचल रहे हैं। अब तुम ही चुनो, वो मैसेज या वो मैसेंजर। Zen, fast down, Joe! Stay on the ground! Shifu! ज़िनशी ने जो किया उसे उसकी कीमत चुकानी होगी, वो अभी बहुत बड़ी कीमत। आप ठीक तो है शिफू? तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे निकम्मेपन का नतीजा है? अब वो को ज़िनशी को ढूंढकर मेरे बिना उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मुझे बहुत भूख लगी थी। इतना काफी नहीं है, अपना सामान बांध लो सिंह, अब जेड पैलेस को तुम्हारी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है। ओह शिफ, वो आपको नहीं लगता कि आप मुझे निकाल रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा, तो मैं आपको निकालता हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे मंजूर है। हे ज़ेंग, मुझे अफसोस है। चलो अभी बात इतनी भी बुरी नहीं है। कुछ भी मत बोलो, इससे बुरा और क्या हो सकता है? वो बड़ा पानी का टावर तुम पर भी तो गिर सकता था। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, हमेशा से ही एक मैसेंजर के नाते किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, आसमान छू सकते हो। सच्ची? बिल्कुल, तुम जैसा एक स्मार्ट होनहार काबिल डक मैं गूस हूँ। तुम बन सकते हो एक कवि या एक कारपेंटर या एक कुंफू मास्टर या तुम्हें सच में लगता है मैं कुंफू मास्टर बन सकता हूँ? कहने के लिए हाँ, मतलब बिल्कुल बन सकते हो। जरा खुद को देखो, ये शानदार फिजिक, ये उठने बैठने का ढंग, तुम तो कमाल हो। वैसे अगर एक मोटा बदसूरत पांडा एक कुंग फू मास्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? मतलब तुम जरा खुद को देखो, कितने अजीब दिखते हो। मैं ये करके दिखाऊंगा, तब शिफू को पता चलेगा। अच्छा प्लान है, मुझे बताना तुम कर पाया नहीं है। चलो अभी मुझे जाकर उस ज़िनशी को ढूंढना है। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर मुझे कुंग फू मास्टर बनना है तो शुरुआत अभी से करनी होगी, और चूंकि ये ज़िनशी वाले मसले में मेरा थोड़ा हाथ था, पूरा हाथ था, मुझे इसमें मदद करनी चाहिए। तो चलो चले साथ ही कुंग फू मास्टर दोस्त। जब मैं शानदार पांच का हिस्सा बनूंगा तो मैं भी उनकी तरह जेड पैलेस स्टाफ पर रौब जमाऊंगा। तुम्हें पता है मैंटिस मुझसे अपने कपड़े धुलवाता है? हमें तो शानदार पांच का नाम भी बदलना पड़ेगा, कैसा रहेगा जानदार छह? कितना मजा आएगा ना। हाँ बहुत। तो साथी कुंग फू मास्टर, हम ज़िनशी का पता कैसे लगाएंगे? देखो, टेमुटाई और उसके योद्धा उस तरफ गए हैं, हमें कुछ गवाह ढूंढने होंगे, कुछ सवाल पूछने होंगे। शायद उन लोगों ने उन्हें देखा हो। जब मैं उनसे पूछताछ कर लूंगा तो वो चुपचाप सारा सच उगल देंगे। अब देखो कैसे बिगाड़ता है ज़ेंग उनका हाथ। ओह ज़ेंग, ज़ेंग नहीं, कुंग फू मास्टर ज़ेंग आ गया है। यहाँ पर कौन है जो पिटना चाहता है? पिटेगा तो कुंग फू मास्टर ज़ेंग ही। मैं बता देता हूँ, मेरे पंख बहुत खतरनाक है, लग गए तो उठ नहीं पाओगे। इतनी होशियारी? अब
बात कहूँ, मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा, तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या इसे ढूंढ रहे हो? हे, वो मेरी मॉम का तोहफा है। ओह सॉरी। बहुत हुआ, हमें बताओ क्या तुमने यहाँ चिड़ान योद्धाओं को देखा था? हाँ, वो पूर्व की ओर गए हैं रेगिस्तान में। पहले क्यों नहीं पूछ लिया? मुझे नहीं पता, तुम बताना चाहोगे? ए, चलो भी अब बस करो। मेरी वजह से सब बर्बाद हो जाता, मुझे लगा था मैं कुंग फू मास्टर बन सकता हूँ। वो एक मजा था। नहीं 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 नहीं, तुम अच्छा लड़े। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सब बिगाड़ दिया। देखो मुझे पता है तुम्हें लगता है वो तुम पर हावी हुए और तुम्हें मारा और तुम उनसे लड़ नहीं पाए और ये सब ऐसा लगा क्योंकि वो तुम्हारी पहली लड़ाई थी, पर तुम सच में बहुत अच्छा लड़े। याद है मैं उस गुंडे को मार पाया था क्योंकि तुमने उसे खुद को घुमाने दिया था। सच में? बिल्कुल, तुमने तो कमाल कर दिया, क्लासिक कुंग फू मास्टर स्टाइल। सच में? बिल्कुल, तुम कर रहे थे बैम वाओ और वो सब तुमसे डर रहे थे। हाँ, ये तो सच है। तुमने उनकी हवा निकाल दी। तुम बस मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है बेस्ट? मैं हूँ। कौन है बेस्ट? मैं हूँ। थैंक्स फॉर, अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो चलो जिंशी को ढूंढकर उनकी रक्षा करते हैं। तो टेमोपाय की सिपाही है, अगर हम दूर से उनका पीछा करेंगे तो हम। ओह नो, मैं हूँ सबसे बेस्ट। डैंग, मैं बस कह रहा हूँ इस तरह पीछे रहने से कोई हमारी कद्र नहीं करता। टेमोपाय कहते हैं पीछे के सिपाही भी खास होते हैं। मुझे तो लगता है वो बस हमें तसल्ली देने के लिए ऐसा कहते हैं। कुंग फू मास्टर डैंग, मुझे हमेशा से एक डक को पीटना था। मैं गोस हूँ। बता दो जिंशी कहाँ है और किसी को चोट नहीं लगेगी। वो तो लग गई। जिंशी कहाँ है? हाँ, यंगशुओ शहर में कुछ मील दूर उस तरफ। वाह, हमने कर दिया दोस्त। वूहू, हम हैं मास्टर। वू या वू वा हा हा। वाव, ये तो कमाल हो गया। जरा मुझे देखो, लगता है मेरी कुंग फू मास्टर की कुछ ज्यादा ही ताकत हो रहे हैं। नहीं, तुम एक कुंग फू मास्टर नहीं हो, तुम तो कोई भी मास्टर नहीं हो। पर तुमने कहा था। मैंने वो सब कहा था बस तुम्हें खुश करने के लिए। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, ओके? पर तुम्हें वो सब सीरियसली नहीं लेना था और तुम्हें मुझे एक बड़ी चट्टान के नीचे नहीं बताना था, समझे? तो तुमने झूठ कहा था। मैं बस तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता था। तुम कुंग फू अच्छी तरह नहीं कर सकते, सच्ची जरा भी नहीं। चलो अच्छा हुआ जो बता दिया। कुछ वक्त के लिए मैं सोच बैठा था कि मैं पूरी तरह निकम्मा नहीं हूँ। गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। नहीं, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने जो भी कहा। रुको जैंग, 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 मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुमने उसे कहा कि वो एक अच्छा कुंग फू मास्टर बन सकता है? वो रो रहा था। अब भी रो रहा है तो बहुत अच्छे। मैं बस मदद करना चाहता था। ये मदद करना कैसे हुआ? उसे सच्चाई का सामना करना चाहिए, उससे झूठ बोलने से मामला और बिगड़ गया। तुम कौन हो मेरे डैड? तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे, तुम्हें उसके रोने से परेशानी हो रही थी तो उसे चुप कराने के लिए तुमने झूठ बोला। तुम खुद को बहुत अच्छा समझते हो पर तुम सिर्फ एक मतलब ही झूठे पैदा हो। मैं एक अच्छा बंदा हूँ। हाँ दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे हो। जैंग खुद को कुछ कर बैठे इससे पहले उसे ढूंढना होगा। तो क्यों ना हम अंताक्षरी खेले? क्या फायदा है, मैं क्यों कुछ करूं? मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ मदद करूं? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे ये तो एक जेल पैलेस यूनिफॉर्म है, क्या शिफू ने तुम्हें भेजा है? क्या? रुको,
टाइगर यांगशु है, चार्ल्स बिंची है। हाँ और हाँ, मैंने आपको ढूंढ लिया, मैंने कुछ सही किया, मैंने कुछ सही किया। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। क्यों, बात क्या है? घूमो रहे, पकड़ो उन्हें। ओह तो ये बात है। यहाँ खुले में तो वो हमें पकड़ लेंगे और मारेंगे। हाँ? जाने दीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उड़ा कर ले चलता हूँ। तुम तो बस मुझे ज्यादा वजन होने का एहसास करा रहे हो। सॉरी, शायद तुम्हें भागना चाहिए। तुम खुद को दोष मत दो। मैं शिफू तक आपका मैसेज ले जा रहा था, मैंने लंच ब्रेक लिया और ट्रेवो टाई ने मुझसे वो चुरा लिया। देखो, उन्हें वहां से एक एक करके अंदर आना पड़ेगा, फिर तुम उनसे आसानी से लड़ पाओगे। मैं? आप उनसे क्यों नहीं लड़ सकते? आप तो जेड पैलेस से हो। और तुम भी? हाँ, पर मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मुझे तो लगा था मैं कुंफू मास्टर हूँ। एक मिनट, अगर आप सिर्फ एक मैसेंजर हैं, तो फिर आपने जंग कैसे रोकी थी? मैंने वो मैसेज पहुँचाया था जिससे टेमू टाई का प्लान चौपट हो गया था। मैं लड़ नहीं सकता, पर मैं काफी अच्छे थप्पड़ मार लेता हूँ। तो फिर चलो हम उन्हें मिलकर थप्पड़ लगाएं दोस्त। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ऊपर देखो, एक गया और काफी बाकी हैं। मैंने तुम्हें निराश किया। ओ, मैंने तुम्हें निराश किया, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने झूठ कहकर तुम्हें बहलाया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तो हम कैसे मदद करें? पता नहीं, बस इन सबको एक तरफ रखते जाओ, ये यहाँ जमा होने लगे हैं। भाई और कितने बाकी है? बस एक और बचा है। सिंशी, अब तुम नहीं बच सकते। मुझाई के गुस्से के कहते पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। ठीक है। बहुत हुआ, मुझे कुछ करना होगा। अर्जिंग, फिक्र मत करो मास्टर को, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा वो डक दोस्तों डरपोक निकला। टेमुटाई, ड्रैगन वॉरियर को यहाँ से जाने दो। तुम्हें बदला तो मुझसे लेना है। दरअसल मुझे तुम दोनों से नफरत है, मैं बस अभी इसे खत्म कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। मैंने तुम्हें हरा दिया है अपने कमाल के मैसेंजर पंखों से। बहुत अच्छे जेंग, पर तुमने यहाँ इतनी जल्दी कैसे ले आए? एक अच्छा मैसेंजर कभी अपने राज नहीं बताता। तो मुझे लगा जेंग एक कुंफू मास्टर है और उसे मेरे बारे में भी वही लगा। ओहो, नाक से चाय निकली, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। एक मिनट, मैंने तो चाय पी भी नहीं। शिफू, जाता हूँ, मैंने आपको निराश किया और उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं यहाँ जरूरी काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कद्र करें। तुम सही हो जैन, मैंने कभी तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जिसके तुम हकदार हो। मैं माफी चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ तुम अपनी पुरानी नौकरी वापस ले लो अगर तुम चाहो तो। शुक्रिया, मुझे मंजूर है और मैं भी आपको आपकी पुरानी जगह वापस देता हूँ मेरी जिंदगी में। मुझे भी मंजूर है। बहुत अच्छे, अब जरा तुम जल्दी से ये चाय या जो भी है साफ कर दो। सॉरी, अभी लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक? वो मजाक कर रहा था, है ना? नहीं। जब मैं छोटा था तब जेड पैलेस में कोई था जो मेरा हमेशा ख्याल रखता था। उनका नाम था जिनशी और वो मेरे दोस्त थे। हम हमेशा साथ रहते थे। एक वही थे जो मुझे हंसा सकते थे। क्या आप हंसते थे? एक दिन जिनशी शहंशाह के लिए काम करने चले गए। मैं सालों से उनसे मिला नहीं हूँ पर हम कांटेक्ट में हैं। कुछ वक्त पहले टेमुटाय और उसके चिडान योद्धा देश पर हमला करने की सोच रहे थे। यार, मुझे ऐसा करने वालों से सख्त नफरत है। जिनशी को उनके इरादों की भनक लग गई और वो नाकामयाब हुए। टेमुटाय ने बदला लेने की कसम खाई है। तो हम आपके दोस्त की रक्षा करने वाले हैं। कोई भी उनके पास आया तो मैं कर दूंगा। वाओ, 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 वाओ। हाँ, पर पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। जिनशी कहीं छिप गए हैं। वो मुझे अपने ठिकाने का पता है कि मैसेज में भेजने वाले हैं। पर जेंग लेट है, फिर से हमेशा की तरह। चलिए भी, जेंग पूरी कोशिश करता है। जो काफी नहीं होती, उससे ज्यादा भरोसेमंद तो वो कुर्सी है। क्या ये कुर्सी? चलो जेंग को ढूंढते हैं। ना जाने अब उसने खुद को किस मुसीबत में फंसाया होगा। तुम सादे नूडल्स खाओगे वो भी दिल से, समझे? जिन मास्टर शिफु, मैं बस आपके ही पास आ रहा हूँ। इतना जरूरी मैसेज लाने के लिए तुम रास्ते में रुके खाना खाने के लिए? पर मैं तो बस। कोई नहीं होगा तुम जैसा बेकार, निकम्मा, नकारा, बकवास, खुदगर्ज, दिमाग से पैदल, कम अकल, पागल, बेवकूफ। ये मेरा लंच ब्रेक है, मैं आपके लिए बस काम काम और काम करता हूँ। मैसेज लाता हूँ, फर्श साफ करता हूँ, आपका पैर को मसाज देता हूँ। मैं आपके बेकार से मैसेज के साथ 200 मील का सफर तय करके आया हूँ और मुझे बस मेरे मसाला नूडल्स खा रहे हैं। क्या आप मुझे इतना भी नहीं करने देंगे? नहीं, मुझे वो मैसेज चाहिए अभी। रिलैक्स, अरे वो मेरे पास ही है, देखा? इसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिरकार मुझे मिल गया उस फद्दे जिनशी का ठिकाना। अब मेरा बदला पूरा होगा। मेरे होते हुए बात को आधे में काटना गलत होता है, लेकिन तुमने ये अच्छा ही किया। बस करो, अब यह कुंग फू लड़ाई माना है। हमें वो मैसेज दे दो। हिम्मत है तो ले लो। चलो आ जाओ, मेरे हाथ मचल रहे हैं। दूर रहो। अब तुम ही चुनो, वो मैसेज या वो मैसेंजर। जिंग, वहां से हट जाओ। नहीं आ सकता। शिफु, जिनशी ने जो किया उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। वो अभी बहुत बड़ी कीमत। आप ठीक तो है शिफु? तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे निकम्मेपन का नतीजा है? अब वो को जिनशी को ढूंढकर मेरे बिना उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो
तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मुझे बहुत भूख लगी थी। इतना काफी नहीं है? अपना सामान बांध लो जेंग, अब जेड पैलेस को तुम्हारी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है। ओह शिफू, आपको नहीं लगता कि आप मुझे निकाल रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा, तो मैं आपको निकालता हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे मंजूर है। हे जेंग, मुझे अफसोस है। चलो अभी बात इतनी भी बुरी नहीं है। कुछ भी मत बोलो, इससे बुरा और क्या हो सकता है? वो बड़ा पानी का टावर तुम पर भी तो गिर सकता था। देखो, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। हमेशा से ही एक मैसेंजर के नाते किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, आसमान छू सकते हो। बिल्कुल, तुम जैसा एक स्मार्ट होनहार काबिल डक। मैं गूस हूँ। तुम बन सकते हो एक कवि, या एक कारपेंटर, या एक कुंग फू मास्टर, या तुम्हें सच में लगता है मैं कुंग फू मास्टर बन सकता हूँ? कहने के लिए मतलब बिल्कुल बन सकते हो। जरा खुद को देखो, ये शानदार फिजिक, ये उठने बैठने का ढंग, तुम तो कमाल हो। वैसे अगर एक मोटा बदसूरत पांडा एक कुंग फू मास्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? मतलब तुम जरा खुद को देखो, कितने अजीब दिखते हो। मैं ये करके दिखाऊंगा, तब शिफू को पता चलेगा। अच्छा प्लान है, मुझे बताना तुम कर पाए या नहीं। चलो अभी मुझे जाकर उस जिंशी को ढूंढना है। ये क्या कर रहे हो तुम? कुंग फू मास्टर बनना है तो शुरुआत अभी से करनी होगी, और चूंकि ये विंची वाले मसले में मेरा थोड़ा हाथ था, पूरा हाथ था, मुझे इसमें मदद करनी चाहिए। तो चलो चले साथी कुंग फू मास्टर दोस्त। जब मैं शानदार पांच का हिस्सा बनूंगा तो मैं भी उनकी तरह जेड पैलेस स्टाफ पर रॉब जमाऊंगा। तुम्हें पता है मैंटिस मुझसे अपने कपड़े धुलवाता है, मैं चाय के कप में उन्हें धोता हूँ। हमें तो शानदार पांच का नाम भी बदलना पड़ेगा। कैसा रहेगा जानदार छह? कितना मजा आएगा ना? हाँ बहुत। तो साथी कुंग फू मास्टर, हम विंची का पता कैसे लगाएंगे? देखो, टेमुटाए और उसके योद्धा उस तरफ गए हैं, हमें कुछ गवाह ढूंढने होंगे, कुछ सवाल पूछने होंगे। शायद उन लोगों ने उन्हें देखा हो। जब मैं उनसे पूछताछ कर लूंगा तो वो चुपचाप सारा सच उगल देंगे। अब देखो कैसे बिगाड़ता है देख उनका हाथ। ओ नो, जेंग, जेंग, नहीं! कुंग फू मास्टर जेंग आ गया है। यहाँ पर कौन है जो पिटना चाहता है? पिटेगा तो कुंग फू मास्टर जेंग ही। मेरे पंख बहुत खतरनाक है, लग गए तो उठ नहीं पाओगे। इतनी होशियारी है? एक बात कहूँ, मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा, तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या इसे ढूंढ रहे हो? हे, वो मेरी मॉम का तोहफा है। ओह सॉरी। बहुत हुआ, हमें बताओ क्या तुमने यहाँ चिडान योद्धाओं को देखा था? हाँ, वो पूरब की ओर गए हैं रेगिस्तान में। पहले क्यों नहीं पूछ लिया? मुझे नहीं पता, तुम बताना चाहोगे? ए, चलो भी अब बस करो। मेरे
मुझे लगा था मैं कुंग फू मास्टर बन सकता हूँ। वो एक मजा था। नहीं 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 नहीं, तुम अच्छा लड़े। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सब बिगाड़ दिया। देखो मुझे पता है तुम्हें लगता है वो तुम पर हावी हुए और तुम्हें मारा और तुम उनसे लड़ नहीं पाए और ये सब ऐसा लगा क्योंकि वो तुम्हारी पहली लड़ाई थी, पर तुम सच में बहुत अच्छा लड़े। याद है मैं उस गुंडे को मार पाया था क्योंकि तुमने उसे खुद को घुमाने दिया था। सच में? बिल्कुल, तुमने तो कमाल कर दिया, क्लासिक कुंग फू मास्टर स्टाइल। सच में? बिल्कुल, तुम कर रहे थे बैम वाओ और वो सब तुमसे डर रहे थे। हाँ, ये तो सच है, तुमने उनकी हवा निकाल दी। तुम बस मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है बेस्ट? मैं हूँ। कौन है बेस्ट? मैं हूँ। थैंक्स फू, अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो चलो जिंगशी को ढूंढ कर उनकी रक्षा करते हैं। तो टेमुपाई के सिपाही है, अगर हम दूर से उनका पीछा करेंगे तो हम। ओह नो, मैं हूँ सबसे बेस्ट। मैं बस कह रहा हूँ इस तरह पीछे रहने से कोई हमारी कद्र नहीं करता। टेमुपाई कहते हैं पीछे के सिपाही भी खास होते हैं। मुझे तो लगता है वो बस हमें तसल्ली देने के लिए ऐसा कहते हैं। मुझे हमेशा से एक डक को पीटना था। मैं गूस हूँ। बता दो जिंशी कहाँ है और किसी को चोट नहीं लगेगी। वो तो लग गई। जिंशी कहाँ है? यिंगशुओ शहर में, कुछ मील दूर उस तरफ। वाह, हमने कर दिया दोस्त। हम हैं मास्टर। वाह, ये तो कमाल हो गया। जरा मुझे देखो, लगता है मेरी कुंग फू मास्टर की कुछ ज्यादा ही ताकत हो रहे हैं। नहीं, तुम एक कुंग फू मास्टर नहीं हो, तुम तो कोई भी मास्टर नहीं हो। पर तुमने कहा था। मैंने वो सब कहा था बस तुम्हें खुश करने के लिए। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, ओके, पर तुम्हें वो सब सीरियसली नहीं लेना था और तुम्हें मुझे एक बड़ी चट्टान के नीचे नहीं फंसाना था, समझे? तो तुमने झूठ कहा था। मैं बस तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता था। तुम कुंग फू अच्छी तरह नहीं कर सकते, सच्ची, जरा भी नहीं। आओ, चलो, अच्छा हुआ जो बता दिया। कुछ वक्त के लिए मैं सोच बैठा था कि मैं पूरी तरह निकम्मा नहीं हूँ। गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने जो भी कहा। रुको जैंग, 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 मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुमने उसे कहा कि वो एक अच्छा कुंग फू मास्टर बन सकता है? वो रो रहा था। अब भी रो रहा है तो बहुत अच्छे। मैं बस मदद करना चाहता था। ये मदद करना कैसे हुआ? उसे सच्चाई का सामना करना चाहिए, उससे झूठ बोलने से मामला और बिगड़ गया। तुम कौन हो, मेरे डैड? तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे, तुम्हें उसके रोने से परेशानी हो रही थी तो उसे चुप कराने के लिए तुमने झूठ बोला। तुम खुद को बहुत अच्छा समझते हो पर तुम सिर्फ एक मतलबी झूठे पैंडा हो। मैं एक अच्छा बंदा हूँ। हाँ दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे हो। जैंग खुद को कुछ कर बैठे, इससे पहले उसे ढूंढना होगा। तो क्यों ना हम अंताक्षरी खेले? क्या फायदा है, मैं क्यों कुछ करूं? मैं निकम्मा।
कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ मदद करूं? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे ये तो एक जेड पैलेस यूनिफॉर्म है, क्या शिफू ने तुम्हें भेजा है? क्या? रुको, क्या ये यांगशु है? क्या आप बिंगशी है? हाँ और हाँ। मैंने आपको ढूंढ लिया, मैंने कुछ सही किया, मैंने कुछ सही किया। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। क्यों? बात क्या है? घूमो रहे, पकड़ो उन्हें। ओ, तो ये बात है। में तो वो हमें पकड़ लेंगे और मारेंगे। हाँ? जाने दीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उड़ा कर ले चलता हूँ। तुम तो बस मुझे ज्यादा वजन होने का एहसास करा रहे हो। सॉरी, शायद हमें भागना चाहिए। तुम खुद को दोष मत दो। मैं शिफू तक आपका मैसेज ले जा रहा था, मैंने लंच ब्रेक लिया और टेमो टाई ने मुझसे वो चुरा लिया। देखो, उन्हें वहाँ से एक एक करके अंदर आना पड़ेगा, फिर तुम उनसे आसानी से लड़ पाओगे। मैं? आप उनसे क्यों नहीं लड़ सकते? आप तो जेड पैलेस से हो। और तुम भी? हाँ, पर मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मुझे तो लगा था तुम एक कुंग फू मास्टर हो। एक मिनट, अगर आप सिर्फ एक मैसेंजर हैं, तो फिर आपने एक जंग कैसे रोकी थी? मैंने वो मैसेज पहुँचाया था जिससे टेमुटाई का प्लान चौपट हो गया था। मैं लड़ नहीं सकता, पर मैं काफी अच्छे थप्पड़ मार लेता हूँ। तो फिर चलो हम उन्हें मिलकर थप्पड़ लगाएं दोस्त। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ऊपर देखो। एक गया और काफी बाकी है। सॉरी, मैंने तुम्हें निराश किया। पो, मैंने तुम्हें निराश किया, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने झूठ कहकर तुम्हें बहलाया, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तो हम कैसे मदद करें? पता नहीं, बस इन सबको एक तरफ रखते जाओ, ये यहाँ जमा होने लगे हैं। और कितने बाकी है? बस एक और बचा है। सिंशी, अब तुम नहीं बच सकते टेमुटाई के गुस्से के कहर से। पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। ठीक है। बहुत हुआ, मुझे कुछ करना होगा।
अर्जेंग फिक्र मत करो मास्टर को, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा वो डक दोस्त तो डरपोक निकला। स्टेम उठाए, ड्रैगन वॉरियर को यहाँ से जाने दो। तुम्हें बदला तो मुझसे लेना है। दरअसल मुझे तुम दोनों से नफरत है। मैं बस अभी इसे खत्म कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। मैंने तुम्हें हरा दिया है अपने कमाल के मैसेंजर पंखों से। बहुत अच्छे जेंग, पर तुमने यहाँ इतनी जल्दी कैसे ले आए? एक अच्छा मैसेंजर कभी अपने राज नहीं बताता। तो मुझे लगा जेंग कुंग फू मास्टर है, और उसे मेरे बारे में भी वही लगा। ओहो, नाक से चाय निकली, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। एक मिनट, मैंने तो चाय पी भी नहीं। मास्टर शिफू, जाता हूँ, मैंने आपको निराश किया और उसके लिए माफी चाहता हूँ। पर मैं यहाँ जरूरी काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कद्र करें। तुम सही हो जेंग, मैंने कभी तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जिसके तुम हकदार हो। मैं माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पुरानी नौकरी वापस ले लो, अगर तुम चाहो तो। शुक्रिया, मुझे मंजूर है, और मैं भी आपको आपकी पुरानी जगह वापस देता हूँ मेरी जिंदगी में। मुझे भी मंजूर है। बहुत अच्छे, अब जरा तुम जल्दी से ये चाय या जो भी है साफ कर दो। सॉरी, अभी लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक? वो मजाक कर रहा था, है ना? नहीं, नहीं।